ये हो रहा, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ केजीएफ के बारे में। एक बड़ी न्यूज देना चाहता हूँ। सुबह ही मैंने अपडेट कर दिया था, आई थिंक दोपहर के आसपास, कि इसके ऑडियो लॉन्च के बारे में एक काफी इंपॉर्टेंट चीज सामने आने वाली है। सुबह इतला की मैंने, उसके बाद दोपहर में एक पोस्टर आया, उसे मैंने शेयर किया आप लोगों के सामने। और अब आपको बताता हूँ इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में, ऑडियो लॉन्च के बारे में बड़ी खबर है दोस्तों। और ये सीन तो देखकर यही मुझे नजर आता है कि ए क्षण, मुंबई क्या तेरे बाप का है? नहीं, तेरे बाप का है लेकिन तेरा बाप मैं हूं। तो ये जो सीन है वो आई थिंक कमाल का है। द लुक ऑफ दिस एक्टर इज खतरनाक, कमाल का है। जब फिल्म आएगी, जब डायलॉग्स बजेंगे, तो डायलॉग्स आएंगे तो सीटियां बजेगी, इतना पक्का है। चलिए बिना देरी करे आप बता देता हूँ कि माजरा आखिर क्या है, खबर आखिर क्या है। अगर मैं आपको पोस्टर थोड़ा सा ध्यान से दिखाऊँ, तो यहाँ पे पोस्टर आप देखोगे ऑडियो कमिंग सून, राइट। अब ऑडियो के बारे में ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पोस्टर में आपको एक और नाम नीचे नजर आएगा, ये है लहरी म्यूजिक। इस लहरी म्यूजिक ने, जो एक बहुत बड़ा म्यूजिक प्लेटफॉर्म है साउथ साइड का, इसने जो राइट्स खरीदे हैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं आपको मेरे ट्विटर हैंडल पर फिलहाल ले जाना चाहता हूँ ताकि वह आपको काफ़ी चीज़ें बता दूँ। इसका तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम राइट्स बिक चुका है, लहरी म्यूजिक ने खरीदा है 3.6 करोड़, एंड दिस इज ए बिग 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 डील। तीन करोड़ साठ लाख में खरीदा है। और हिंदी वर्जन का जो म्यूजिक राइट है, कहा जा रहा है कि जी म्यूजिक के पास आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए कि केजीएफ का ऑडियो रिलीज, जहाँ तक कहा जा रहा है, December 1 को आने की आशंका है। कई लोगों ने November 30 को कहा, लेकिन कई सारे लोगों से मैंने पूछा तो उनका ज़्यादातर कहना है कि भैया December 1 को ही आएगा, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। इट्स ए गुड थिंग, और एक अच्छा टाइम होगा ऑडियो लॉन्च का, क्योंकि December 21 को फिल्म आ रही है, यानी कि करीबन 20 दिन के आसपास उसके पहले रिलीज़ के पहले। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार म्यूज़िक कितना हेल्प करेगा इस फिल्म को, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है फिल्म का म्यूज़िक बहुत ही अच्छा होने वाला है। और म्यूज़िक कितने बिकेगा हिंदी वर्जन का वो तो बात की बात है, लेकिन हाँ फिलहाल बाकी जो है लैंग्वेजेस का 3.6 करोड़ में, थ्री करोड़ 60 लाख में बिक चुका है। और कहा जा रहा है कि गाने, इसमें कुछ गाने हैं जो सोनू निगम ने भी गाए हैं, और हिंदी वर्जन का भी शायद उन्होंने ही गाया होगा। बहुत सी चीज़ें अभी आई थिंक आना बाकी है, बट एक बड़ी खबर थी, मुझे लगा आप लोगों से बता दूँ, शेयर कर दूँ। और यानी कि KGF का धमाल बहुत जल्दी होने वाला है, और फिल्म को बस कुछ ही वक्त रहेगा इस महीने में पास होने के लिए और म्यूजिक लॉन्च आने के लिए, उसके बाद फिल्म आ जाएगी बहुत जल्दी। कितने खुश हैं जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय। और हाँ, साथ ही मेरे ट्विटर पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी। अगर आपको और भी फटाफट अपडेट्स चाहिए, तो स्पेशली जो ब्रेकिंग न्यूज़ आती है उसके बारे में। चलिए फिलहाल इतना ही।